हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो, इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। हाजिक इज हेयर, हाजिक इज हेयर भी। अच्छा चले, हमारा शेर आया, शेर। हेलो, आवाज आ रही मेरी? आ रही, आ रही। हाजिक क्या हाल है? लोग कह रहे हैं उसमें सॉन्ग तुमने थोड़ा ज्यादा तेज कर दिया, थोड़ा स्लो कर रहा था। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा तेज हो गया वो। तो हुआ ये कि इनकी फेमिनिस्ट के ऊपर एक स्ट्रीम वगैरह चल रही थी, और ना मैंने देखी ना अक्रम ने देखी, किसी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बोंगियां चल रही थी। तो बाद में पता चला अक्रम भाई ने उसे मैसेज किया कि वो लाइव गए और उन्होंने उनसे कुछ सवाल किया और फिर उनको भगा दिया गया। मैंने जब स्ट्रीम देखी तो अक्रम भाई ने सवाल किया था, विल यू बी माई कॉन्क्यू भाई। अब वहां पे इन्होंने क्या किया, उसका जवाब देने की बजाय कि नहीं कॉन्क्यूबाइन पूछ के नहीं बनाते, जबकि मैंने जो इनके ऊपर वीडियो बनाई उस पर रेफरेंस दिखाया है। एक बंदी थी उमैर बिनत नुमान, उसको मोहम्मद ने कहा था कि तुम मुझे अपने आप के हवाले कर दो। और ये वाक्य मैं अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद से पढ़ा था। उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेशन पे ऐसी डंडी मारी है, उसमें जो अरबिक वर्डिंग आप देखोगे तो वहां पे लिखा है हिबा वर्ड। हिबा का मतलब होता है अपने आप को गिफ्ट करना, तोहफे में देना, यानी वन नाइट स्टैंड की बात हो रही थी। तो उसको ब्रैकेट में उन लोग ने मैरिज करके ले लिया, बुखारी की जो वहाँ पे हदीस आती है 5 to 5। तो ये इनकी डंडी थी जो उन्होंने ट्रांसलेशन में की थी। बाकी इनकी बोंगी थी कि मोहम्मद ने तो कभी किसी ने डायरेक्ट नहीं कहा, जबकि डायरेक्ट कहा ये बात। नहीं लेकिन वो नहीं, नहीं, हाजिक हिबा वैसे जो है भी ना, वो हाँ जी आप बोले, आप बोले। मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई कर दूं, सिर्फ ये क्लैरिफाई कर दूं, हिबा जो है ना वो आपका ठीक है, गिफ्ट ही उसका मतलब होता है, लेकिन उसमें हिबा क्या किया जाता है, हिबा हक महर जो है ना वो हिबा कर दिया जाता है, तो उसमें निकाह भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो गिफ्ट ही हो, क्योंकि हक महर लाजमी है निकाह, इस्लामी निकाह के लिए। तो उसमें हजरत मोहम्मद को खास ये रियायत मिली थी, वो जो जो आयत कि वो हिबा के बगैर ले सकता, हाँ कि वो हक महर के बगैर भी अगर कोई हिबा करना चाहे, अपने आप को गिफ्ट करना चाहे, तो वो उसको भी अपने निकाह में ले सकते हैं। वो जब कुरान के बड़े मशहूर 65 चैप्टर की आयत है जिसमें कहा कि ये स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। लेकिन वो जो आर्ग्यूमेंट जो इन्होंने ख्वातीन ने दिया कि पूछ के नहीं दिया जाता, वो ये तो आर्ग्यूमेंट ही नहीं है कि पूछ के, वो तो हम जारी बात है, वो आपका फिर आपके आपके खावंद को कत्ल करे फिर आपसे को लेगा अपनी लौंडी बनाएगा। उसका पॉइंट ही ये है कि क्या आप किसी की लौंडी बनना पसंद करेंगी, यस और नो? अगर आप यस कहती हैं तो ठीक है, अगर आप नो कहती हैं तो फिर आप यही असूल कैसे अपना सकती हैं किसी काफर औरत के ऊपर? असल तो आर्ग्यूमेंट ये है, तो उस पर उन्होंने कोई जवाब, लेकिन ये तो खैर ये तो जो थर्ड और फोर्थ टीयर के जो है ना, ये जो इल्हाद के जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं जो, इनके तो बड़े गर्क हुए हैं, इनमें तो फिर पता नहीं आप इन लोगों को ने देखा कि अपनी तरफ से इन लोगों ने सवाल को प्रिटेंड कर दिया। इन्होंने समझा नहीं कि सवाल क्या था। अकरम भाई का ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि तुम सच में मेरी लौंडी बन जाओ, मेरी कॉन्क्यूबाइन बन जाओ। उसका मतलब ये था कि मैं तुम्हारा, जी जी, तो उन्होंने जबरदस्ती, जी जी, हाँ कि ये देखिए ये लोग किस तरह के लोग हैं। उसपे जो उनका जो रिएक्शन है ना, जो उनको तड़का लगा है बेसिकली उन खातून को, उनको बकायदा गुस्सा चढ़ा इस सवाल पे, शी फेल्ट ऑफेंडेड। तो ये भी इस बात का प्रूफ है कि कोई भी औरत जो है उससे अगर इस तरह का उसके साथ सलूक हो, ये अकरम भाई ने तो सिर्फ सवाल किया था ना, ये इस दौर में तो बनाया जाता था लोगों को, ये सवाल भी नहीं पूछते थे। अकरम भाई भी आ गए हैं। जी जी, आवाज आ रही है मेरी? अकरम भाई आपको कैसा महसूस हुआ, आपने बिनत सिद्दीकी को ऑफर लगाई तो उन्होंने क्या जवाब आपको दिया? एक्चुअली मेरा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था, एक्चुअली मैं क्वेश्चन रखने जा रहा था, बट उन्होंने जो कहा ना कि आपके हम लेक्चर सुनने नहीं आए हैं, तो उसी वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्वेश्चन क्या करूं, तो मैंने सोचा कि चलो शॉर्टकट में पूछ लेता हूं, क्योंकि मेरा वो इंटेंशन नहीं था। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था ना, रिसेंटली लगभग 1.5 महीने पहले मैं कहीं गया हुआ था अपने किसी रिलेटिव के घर में, तो उनसे जब मेरी इस टॉपिक पे बात हुई तो वो मेरी कोई खाला वाला थी, उन्होंने कॉन्क्यूबाइन को स्लेवरी को जस्टिफाई ठहराया। उन्होंने कहा कि हाँ ऑब्वियसली मर्द का कत्ल हो जाएगा तो उन औरतों का मतलब देखभाल कौन करेगा। तो मैंने कहा कि उसके लिए गुलाम मर्द हुआ करते थे, उनको तो आप लोग कैस्टरेट कर दिया करते थे। अगर आप कहती हो कि हाँ ये चीज़ सही है तो फिर कश्मीर की औरतों के लिए, फलस्तीन की औरतों के लिए क्यों रोते हो, क्यों कहते हो कि उनका रेप हो गया? कह दो कि वो उन
सिपाहियों की मिल्कियत है, अब वो उनको अपने लौंडे की तरह जैसे चाहे वैसे ट्रीट करें, वहां पर क्या हो जाता आप लोगों को। तो वहां फिर मैंने उनको दो लॉजिक और दी थी कि सपोज करो, इमेजिन करो कि आपके हस्बैंड जंग में जाते हैं और आप रात को उनके लिए बिस्तर सजाती हैं कि मेरे शौहर आएंगे, और वो आपके सामने दो तीन औरतों को ले आए और कहें कि तुम कहीं और वेट करो, आज मैं इन लॉन्डियों को लेकर आया हूँ, इनके साथ करेंगे। और फिर दूसरे दिन एक बहन को बेचा जाए, एक तरफ उसकी माँ को बेचा जाए, किसी को रिहा कर दिया जाए, किसी को तोहफे में दिया जाए, और किसी से वो शादी कर लें, तो आपको कैसा फील होगा? इवन आपके साथ कोई काफिर आकर ऐसा करेगा तो आप बोलोगे कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया मेरे शौहर को मार के, अब मेरी जिस्मानी ख्वाहिशात को तुम ही ये मिटा सकते हो, तो ऐसा तो आप नहीं बोलोगे। तो उस पर कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने ये बात एक्चुअली बोलने दिया नहीं मुझे, इसलिए मैंने मतलब शॉर्टकट में इस तरह का क्वेश्चन किया, वरना मैं लाइव करता स्ट्रीम में यही नहीं। करते हैं, लाइव स्ट्रीम में जब जा करके कोई इस तरह का सवाल करे तो उसको स्ट्रीम से निकाल देंगे कि ये कैसा बेतुका सवाल है। अक्सर जब हम लोग कमेंट्स करें तो कमेंट्स भी डिलीट हो जाते हैं थोड़ी देर में। मुझे स्क्रीनशॉट्स कितने हो किया है कि 5-5 मिनट तक के वो व्यू हुए, शो हुए, और फिर डिलीट कर दिया, मैनुअली डिलीट किए गए वो सारे कमेंट इन लोगों के खुद ही के चैनल पे। तो यही हाल है इनका, ना लाइव बोल लेते हैं ना कमेंट्स वाले हाल है। और हमने कभी इनका कोई कमेंट डिलीट नहीं किया, कोई है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है डिलीट करना का कमेंट कोई हमारे यहाँ, ठीक है, और हमने कभी भी डिलीट नहीं इस पर ये लोग झूठ इतना कहते हैं, बोलते हैं कि इस्लाम ने ये स्लेवरी को खत्म किया। भाई इस्लाम ने स्लेवरी को खत्म ही नहीं किया, इस्लाम ने जुआ और शराब को खत्म किया, तो वो दिखता है कहीं पर, दिखता है करो, कहीं पर दिखता है नहीं करो, इस चीज को हराम किया गया। स्लेवरी को लेकर ऐसी कोई आयतें नहीं है। अब प्लस ये क्या कहते हैं, सीनियर काउंसिल जो थे वो 2003 में, उन्होंने कहा था, सऊदी के जो शेख थे सली अल फौजान, ये उन्होंने 2003 तक कहा था कि स्लेवरी जो है इस्लाम का पार्ट है। और फिर आज भी जब आईसीएस ये चीजें करते हैं, आपने देखा होगा 2015 में यजीद औरतों के साथ उनको रेप किया, उनको बेचा गया, इवन उनको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया गया था, तब इस पर इन लोगों की चुप्पी टूट जाती है, कभी कुछ नहीं कहेंगे। और जब भी स्लेवरी की बात आएगी तो कहेंगे कि नहीं, उन्हें आजाद भी करने का हुक्म है। तो मैं यही कहता हूँ ना कि सपोज दैट आपको कोई आपकी बहन के साथ, या इवन आप अगर औरत, आपको कोई कॉन्क्यूबाइन बना ले और उसके बाद आपके साथ वो सब काम करे जो उनके साथ होता है, उसके बाद आजाद कर दे, तो आप उसको जस्टिफाई कीजिएगा? या आपकी माँ को एक तरफ बेचा जाए, एक तरफ आपकी बहन को बेचा जाए, एक तरफ आपकी बहन को गिफ्ट कर दिया जाए और आपसे निकाह कर लिया जाए, और एक और आप, या आप आपको रिहा करके आपकी एक बहन को निकाह कर लिया जाए, तो आप उसको किस नजर से देखिएगा, कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? अगर आप कहते हैं कि हाँ ये चीज सही है, तो मैं अभी कलमा पढ़ने को तैयार हूँ, आप खुद को मुझे सौंप दीजिए, मैं लॉन्डी बना के रखूंगा, क्योंकि मोहम्मद साहब तो खुद बहुत सारी औरतों को ऑफर करते थे। सूरह अहज़ाब की आयत आप 50 खोल के देख लीजिए, उसमें साफ कहते हैं कि वैसी औरतें जो मुझे सिर्फ मतलब वन नाइट स्टैंड या जो भी समझ लीजिए इसके लिए ऑफर करने चाहे तो वो जायज है, मगर ये क्या कहते हैं, ऑर्डर सिर्फ मेरे लिए है। तो अगर आप मुझे नहीं तो किसी ईमान वाले और मर्दों को जाकर कहिए कि हाँ भाई, मैं कौन के बहन बनने को तैयार हूँ, तुम जो चाहते हैं करो, क्योंकि वो लोग तो कहती हैं कि औरत तो खुद से चाहती थी कौन के बहन बने, तो आप भी खुद से चाहिए बनिए कौन के बहन किसी की। मैं अभी कलमा पढ़ने को तैयार हूँ, बन जाइए। इन बातों का इनके पास कोई जवाब नहीं। चलें जी, एंड करते हैं आप, ठीक है, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियॉन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियॉन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।